तो देखिए, अभी जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका इंश्योरेंस क्लेम है, और इंश्योरेंस क्लेम में अपन सेकंड जो आपका मेथड है उसको अपन देख रहे हैं, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस ये भी इसका एक दूसरा नाम है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं, उनकी जौहरी बाजार में शॉप थी और उसमें आग लग गई जिसके कारण उनका बिजनेस 3 महीने तक डिस्टर्ब रहा। उन्होंने क्या किया कि जौहरी बाजार से अपनी जो दुकान है, पहले जौहरी बाजार में थी, जौहरी बाजार में क्योंकि आग लग गई दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी दुकान कहाँ शिफ्ट कर ली, किशनपुर बाजार में, और 3 महीने तक उन्होंने किशनपुर बाजार में काम अपना जो है वो किया। तो डेफिनेटली जौहरी बाजार में जो उनकी सेल होती थी उतनी सेल किशनपुर बाजार में तो नहीं हो पाएगी। किशनपुर बाजार में सेल क्या हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी। जब सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेल कम होने से प्रॉफिट भी क्या है, कम हो जाएगा। तो इस प्रॉफिट का भी हम इंश्योरेंस कराते हैं, उसी को अपन कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसका इंश्योरेंस अपन ने कराया है और इसके लिए जो पॉलिसी ली जाती है वो प्रॉफिट पॉलिसी जो है वो कहलाती है। अब इसके लिए क्या होता है कि कई स्टेप्स जो हैं वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो जौहरी बाजार से आपकी दुकान शिफ्ट हुई है किशनपुर बाजार, 3 महीने तक वो किशनपुर बाजार में रही, इससे आपकी सेल जितनी जौहरी बाजार में होती थी उतनी किशनपुर बाजार में नहीं हो पा रही, तो सेल कम हो गई। सेल कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो गया। उस प्रॉफिट का इंश्योरेंस जो है वो होता है, उसी को अपन समझ रहे हैं। तो इसमें कई स्टेप्स होती हैं, इसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो अपन लेते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड, देखो इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है, तो एक तो पीरियड ऑफ पॉलिसी होता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो आपने कितने महीने के लिए, मान लो आपने 4 महीने के लिए, ठीक है। और इसी में पॉइंट नंबर 2 है आपका डिसलोकेशन पीरियड, कि आपका जो बिजनेस है वो कितने टाइम तक किशनपुर बाजार में रहा। तो मान लेते हैं पीरियड की पॉलिसी जो है वो तो हमने 4 महीने की ली है, और डिसलोकेशन पीरियड अपना कितने महीने था, अपन ने अभी अभी ऊपर देखा था कितने महीने था, 3 महीने। या 3 महीने आपका बिजनेस डिसलोकेट हो गया, जौहरी बाजार से कहाँ चला गया, किशनपुर बाजार। तो इंडेमनिटी पीरियड जो होता है वो इन दोनों में से जो लोअर होता है यानी जो कम होता है उसको लिया जाता है। तो इन दोनों में लोअर कौन सा है, 3 महीने यानी डिसलोकेशन पीरियड। तो अब इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो आपको, आपने इंश्योरेंस तो 4 महीने का कराया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अब आपको क्या कहेगी कि भाई ऐसा है कि आपका डिसलोकेशन पीरियड तो 3 ही महीने है, तो फिर हम क्लेम 4 महीने का क्यों देंगे, हम 3 ही महीने का देंगे। मान लेते हैं डिसलोकेशन पीरियड जो है 5 महीने होता, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती कि देखो आपने पॉलिसी 4 महीने की ली है तो हम 5 महीने का इंश्योरेंस क्लेम थोड़ा देंगे, फिर वो 4 महीने का ही देंगे। तो कुल मिलाकर इंश्योरेंस कंपनी इसमें अपना फायदा देखती है और विच एवर इज लोअर पीरियड जो है उसको कंसिडर करती है, तो दोनों में से जो कम हो। ये आपकी स्टेप नंबर क्या है, 1 इंडेमनिटी पीरियड। देन आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आपका शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स क्या है कि देखो जितनी सेल जौहरी बाजार में होती थी उतनी किशनपुर बाजार में तो नहीं होगी, सेल क्या हो जाएगी, कुछ कम। तो कितनी कम हो जाएगी उसे ही शॉर्ट सेल्स कहते हैं। कैसे निकलता है देखें, वन कॉलम का एक स्टेटमेंट बनेगा। तो सबसे पहले तो इसमें अपन क्या देखेंगे, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इन इंडेमनिटी पीरियड, कि पिछले साल इंडेमनिटी पीरियड में कितनी सेल हुई थी। इसको कैसे समझे, देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका जौहरी बाजार में पिछले साल आप काम कर रहे थे, इस साल आप काम कहाँ कर रहे हैं, किशनपुर बाजार में काम कर रहे हैं। मान लेते हैं 1 मई को आग लगी है और 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, मई जून और जुलाई 3 महीने। तो पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में यानी 1 मई से लेकर मई जून और जुलाई, पिछले साल इन 3 महीनों में कितनी सेल रही थी उसी को अपन लेंगे। तो वही यहां ये क्या, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इन इंडेमनिटी पीरियड, पिछले साल इसी पीरियड में कितनी सेल हुई थी, प्लस कोई ट्रेंड हो।
ट्रेंड माइनस भी हो सकता है, अगर प्लस का ट्रेंड है या माइनस का ट्रेंड है कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ट्रेंड हो, मान लो पिछले साल इस पीरियड में आपकी 1 लाख रुपए की सेल रही थी, इस पीरियड की सेल क्या रही थी 1 लाख, और इस साल से इस साल का जो ट्रेंड है वो 10% का है, यानी मार्केट में जो बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है वो 10% का है, यानी इस साल जो बिजनेस है वो 10% का ट्रेंड दिखाएगा, तो ट्रेंड 10% बढ़ रहा है, यानी 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। तो इस साल अब सेल इन्हीं 3 महीनों में कितनी होनी चाहिए 1,10,000, लेकिन इस साल तो क्योंकि 1 मई को तो आग ही लग गई, तो इस कंडीशन में 3 मई तक किशनपुर बाजार में आपका बिजनेस रहे, अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं किशनपुर बाजार में, तो सेल उतनी तो रहेगी नहीं, ऑब्वियस है सेल कुछ कम हो जाएगी, मान लेते हैं सेल रहेगी सिर्फ आपकी 50,000, सेल कितनी रहेगी 50,000, पिछले साल कितनी थी 1 लाख, अब कितनी होगी 50,000, तो 1 लाख तो सेल थी, 10% का हम ट्रेंड मान रहे हैं, तो 1,10,000 होनी चाहिए थी, लेस सेल ऑफ करंट ईयर इन इंडेमनिटी पीरियड, जो हमने यहां लिखी कि इस साल इंडेमनिटी पीरियड में सेल कितनी, उसी पीरियड की बात हो रही है, इस साल इंडेमनिटी पीरियड में कितनी सेल हुई जी 50,000 हुई, होनी कितनी चाहिए थी 1,10,000, हुई कितनी 50,000, तो कितनी कम हो गई 60,000, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे शॉर्ट सेल्स, सही है। तो पहली स्टेप थी इंडेमनिटी पीरियड, फिर आई शॉर्ट सेल्स की, आपकी सेल कितनी जो है वो कम हो गई, सही है। एग्जाम्पल जो है वो अपना वही चल रहा है, जौहरी बाजार किशनपुर बाजार वाला, इसको अपन साथ में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपकी जो है स्टेप नंबर 3 है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, इसे आगे से अपन शॉर्ट में बोलेंगे जीपी रेट, जीपी रेट। ये कब की निकाल रहे हैं, तो देखो अपन को जौहरी बाजार की जो पिछले साल की जो सेल है, मान लेते हैं ये 2013 था और ये 2014 किशनपुर बाजार में, ठीक है, तो ये मैंने कैलेंडर ईयर का एग्जांपल लिया है, तो हो सकता है कि इसमें आपका जो है फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, तो 2013, 14, 14, 15 भी हो सकता है। तो लास्ट ईयर 2013 की आपको नेट सेल दे रखी होगी, आपको इसका नेट प्रॉफिट भी दे रखा होगा, और उसमें आपके चार्जेस होते हैं, देखो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स चार्जेस, यानी जो लगेंगे ही लगेंगे, जैसे फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री चाहे चले चाहे नहीं चले लेकिन किराया तो लगेगा ही, दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इनको अपन फिक्स चार्जेस भी कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो है ना इसको स्टैंडिंग चार्जेस के नाम से ही कहा जाएगा, तो आप घबराएं नहीं, फिक्स चार्जेस ही हैं। स्टैंडिंग चार्जेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंश्योर्ड, एक होते हैं अनइंश्योर्ड, ठीक है भाई। मान लेते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं 80,000 रुपए के, उसमें से हमने इंश्योरेंस कराया है केवल 60,000 का, तो इसका मतलब 20,000 का हमने इंश्योरेंस नहीं कराया, वो अनइंश्योर्ड कहलाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का आपका नेट सेल भी दे रखा होगा, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट भी दे रखा होगा, लास्ट ईयर के आपको स्टैंडिंग चार्जेस में इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड भी दे रखे होंगे, इसी से आपकी जीपी रेट निकलेगी। कैसे निकलेगी जीपी रेट का, जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, देखें नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये दोनों ही लास्ट ईयर के हैं, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, ये भी लास्ट ईयर का ही है, इनटू 100। तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट एंड लास्ट ईयर के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100, इंटू 100 करने से जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा, तो ये आपकी क्या निकल गई जीपी रेट। अब देखो अपन ने स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, इंडेमनिटी पीरियड निकाला था, स्टेप नंबर 2 में हमने शॉर्ट सेल्स निकाली थी, स्टेप नंबर 3 में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाल ली, अब स्टेप नंबर 4 जो है वो लेंगे, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो स्टेप नंबर 2 थी शॉर्ट सेल्स उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जीपी रेट से, यानी स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा कि आपको प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ। ये आपकी 4 स्टेप यहां तक जो है
वो आपकी कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन कि पॉलिसी लेनी कितनी चाहिए थी। इसको कई लोग इंश्योरेबल अमाउंट भी बोलते हैं, इंश्योरेबल अमाउंट कि कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए था, अपन इसको जनरली पॉलिसी टू बी टेकन बोलेंगे। पॉलिसी टू बी टेकन का आपका फॉर्मूला होता है एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू जीपी रेट। तो जीपी रेट तो अपन ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वही है। अब एडजस्टेड एनुअल सेल्स जो है वो कैसे निकलेगी वो अपन को देखना है। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स के लिए आपको चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वही वन कॉलम का स्टेटमेंट बनाते हैं, अपने पिछले वाले डेटा पे चलते हैं। देखो हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, यहां आग लगी थी 1 मई को, इससे जस्ट पहले के 12 महीने की सेल। तो इसके 12 महीने यानी पिछली 1 मई से लेके इस 1 मई तक की सेल, ये 12 महीने की सेल हो गई। कैसे? ये 1 मई से चालू हुआ ये पूरी सेल, और ये आके 1 मई पे आके रुक गए। तो यहां से लेके यहां तक कहते हैं वो है 12 महीने। तो ये 12 महीने की सेल को क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं सेल ऑफ 12 मंथ्स जस्ट बिफोर द फायर, आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल। कैसे? 1 मई को आग लगी थी, उससे पिछले पूरे 12 महीने यहां से लेके और पिछली 1 मई तक, यानी इस 1 मई से लेके इस 1 मई तक की सेल, पिछले 12 महीनों की सेल, आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल। सही है? तो आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल लो, उसमें प्लस माइनस कर दो अपना ट्रेंड, जो भी 10%, 12%, 15% जो भी दे रखा हो वो उसको इसी पे निकाल लिया जाएगा और ऐड कर दिया जाएगा। ये आपकी क्या निकल जाएगी? एडजस्टेड एनुअल सेल्स। ये एडजस्टेड एनुअल सेल्स जो है वो यहां आएगी, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे जीपी रेट से, तो ये आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? पॉलिसी टू बी टेकन, कि आपको पॉलिसी लेनी कितने की चाहिए थी। ये पॉलिसी भी टू बी टेकन जो है ना वो आपके काम आएगी अंडर इंश्योरेंस या ओवर इंश्योरेंस की कंडीशन निकालने के लिए। तो इसको भी अपन जो है वो देखेंगे। कितनी स्टेप हो गई आपकी? 5 स्टेप्स आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है, वैसे तो आपके सीधा अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो आप निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ क्लेम। वैसे इसमें एक स्टेप और भी जुड़ सकती है, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, उसको मैं अलग से बताऊंगा, पहले मैं यहां तक आपको बता रहा हूं। तो अमाउंट ऑफ क्लेम क्या है? देखो इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। कंडीशन नंबर ये हो सकती है कि जो स्टेप नंबर 5 है ना, यानी पॉलिसी टू बी टेकन इज मोर देन पॉलिसी, स्टेप नंबर 5 यानी पॉलिसी टू बी टेकन जो है वो आपकी ज्यादा है और पॉलिसी जो है वो आपकी कम है। सही है? तो इसमें कंडीशन आपकी दूसरी भी हो सकती है, कंडीशन नंबर 2 क्या, स्टेप नंबर 5 से आपकी पॉलिसी ज्यादा हो, स्टेप नंबर 5 से आपकी पॉलिसी क्या हो? ज्यादा हो, यानी पॉलिसी टू बी टेकन जो है वो कम हो किससे? पॉलिसी, यानी आपने पॉलिसी ज्यादा की ली है। पॉलिसी ज्यादा की ली है तो फिर ये क्या हो गई? ये हो गई ओवर इंश्योरेंस की कंडीशन। ओवर इंश्योरेंस की कंडीशन मतलब आपने है ना इंश्योरेंस ज्यादा के लिए करा लिया, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों? हर जना क्या है कि इंश्योरेंस कम अमाउंट का कराता है, ज्यादा अमाउंट का नहीं कराता। क्यों? जितना ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस कराएगा तो प्रीमियम भी तो उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए नॉर्मली पॉलिसी का अमाउंट जो है ना वो कम होगा पॉलिसी टू बी टेकन से, ठीक है। तो ये ओवर इंश्योरेंस की कंडीशन है, नॉर्मली काम नहीं आती। अब हम बात करते हैं, हमने पॉलिसी जो है पॉलिसी टू बी टेकन से कम है, यानी ये हो गई आपकी अंडर इंश्योरेंस की कंडीशन। नॉर्मली यही आपकी काम आएगी। अंडर इंश्योरेंस की कंडीशन में क्या होता है? एवरेज क्लॉस लगता है। एवरेज क्लॉस यानी मान लो आपने 50% पॉलिसी ली है तो आपको क्लेम भी कितना मिलेगा? 50%। भाई जब आपने पॉलिसी आधे अमाउंट के लिए ली है तो क्लेम भी कितने के लिए मिलेगा? आधे के लिए मिलेगा। तो इसमें अमाउंट ऑफ क्लेम का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या लगता है? इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय
पॉलिसी टू बी टेकन, यानी स्टेप नंबर 5। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ये क्वेश्चन में आपको जो है वो गिवन होगा, इससे आपका अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो आपका निकल जाएगा। ये आपकी स्टेप नंबर 6 है। तो वैसे तो ये 6 स्टेप हो गई आपकी, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में भी कह दिया जाता है। कैसे भाई, जब आपकी जौहरी बाजार में दुकान थी तो आपकी खुद की दुकान थी, अब आपकी किशनपुर बाजार में हमने किराए पे दुकान ली है, तो किराए पर जब आपने दुकान ली है तो इस कंडीशन में आपको किराया पे करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा गोडाउन भी लेना पड़ रहा हो तो उसका भी खर्चा हो रहा है, तो इस तरीके से एडिशनल खर्चे भी हो जाते हैं। अब ये एडिशनल खर्चे जो किशनपुर बाजार में हुए, इसके लिए भी ये भी आपके लिए लॉस है, तो आप इसके लिए भी तो क्लेम करेंगे, तो इसके लिए एक स्टेप और जुड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में स्टेप नंबर 6 सॉल्व करने से पहले एक एडिशनल स्टेप और आ जाती है। इस कंडीशन में आप स्टेप नंबर जो 6 है ना, पहले फिर इसको लेना पड़ेगा आपको एडिशनल स्टेप, इसको कहते हैं क्या, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, यानी जो किशनपुर बाजार में दुकान शिफ्ट करने के कारण आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े, उसके लिए आप क्लेम जो है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए आपको एक तो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला क्या, एडिशनल सेल्स इंटू जीपी रेट, एडिशनल सेल्स को जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर दें। एडिशनल सेल्स किसको कहेंगे भाई, ऐसा है हम तो ये मान रहे थे कि जौहरी बाजार में जब हम काम कर रहे थे, अब वहां आग लग गई तो अब हमारी सेल होगी ही नहीं, लेकिन हमने जैसे तैसे थोड़ा अरेंजमेंट किया और किशनपुर बाजार में अपनी दुकान लगा ली, तो इस कंडीशन में जो भी किशनपुर बाजार में सेल हो रही है वो आपकी क्या है, एडिशनल सेल्स है। ओके, तो जो भी आपकी इस पीरियड में आपकी सेल हुई है, अगर अपन देखें अपने चार्ट को, दिस वन, हम तो ये मान रहे थे यहाँ सेल होगी नहीं जब 1 मई को आग लग गई, लेकिन सेल फिर भी हुई, तो इस पीरियड में जो भी सेल हुई वो आपकी क्या है, एडिशनल सेल्स। या तो एडिशनल सेल्स एग्जैक्टली आपको दे रखी होगी, और अगर नहीं दे रखी है तो जो इन 3 महीनों में किशनपुर बाजार में सेल हुई ना, उसी को आप क्या मान लेंगे, एडिशनल सेल्स मान लेंगे, ठीक है। तो वो एडिशनल सेल्स इंटू जीपी रेट। नंबर 2, जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस हुए उसको प्रोपोर्शनेट देंगे क्या, एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, है ना। ऊपर तो लिए केवल इंश्योर्ड और नीचे क्या ले लिए, ऑल, यानी इनका रेशियो निकाल लिया, उसको एडिशनल एक्सपेंसेस से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी कैलकुलेशन यहां आई, इससे भी जो भी कैलकुलेशन यहां आई, इन दोनों में से जो कम, जो लोअर फिगर होगा, इंश्योरेंस कंपनी को उसका भी क्लेम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एडिशनल खर्चे भी हो गए भाई, किशनपुर बाजार में काम करने के कारण आपके एडिशनल खर्चे हुए, आप उसके लिए भी क्लेम करेंगे, तो जो इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों में से जो कम फिगर होगा उसका क्लेम जो है वो आपको देगी। उसमें भी वो कहेगी अगर कोई सेविंग हो गई है भाई, मान लो हो सकता है कि वहां आपको है ना फ्रेट का खर्चा बचता हो, या और कोई 200-400 रुपए बचते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी इसमें से इतने तो आपकी सेविंग ही हो गई, वो लेस करो, अब हम क्लेम जो है वो केवल इतना ही देंगे, तो एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए फिर वो क्लेम जो है वो आपको इतना देंगे। तो इस कंडीशन में आपके जो है स्टेप, जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो कैसे निकलेगा, यानी अब क्योंकि एडिशनल स्टेप अपन ने लगा दी थी ना ये वाली, तो उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम जो निकलेगा उसका तरीका क्या होगा, अगर अंडर इंश्योरेंस की कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मली अंडर इंश्योरेंस की कंडीशन ही काम आती है, अंडर इंश्योरेंस की कंडीशन है तो अपना फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने ऊपर, लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी। ये फॉर्मूला तो अपन ने पहले भी बनाया था, स्टेप नंबर 6 में जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो अपन ने यही बनाया था, अपन देख सकते हैं स्टेप नंबर 6 अमाउंट ऑफ क्लेम हमारा फॉर्मूला यही था, लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय पॉलिसी टेकन इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वही फॉर्मूला है। अब यहां क्या होगा, एक और जुड़ जाएगा क्या, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि अब आपके दो लॉस हो गए, एक तो प्रॉफिट का लॉस और एक खर्चों का लॉस, इन दोनों को जोड़कर बाकी वही है पॉलिसी टू बी टेकन और अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा।
तो ये वाली जो स्टेप है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, ये केवल तब लगती है जब क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस अलग से आपको दे रखे हो, अदरवाइज ये वाली स्टेप जो है वो नहीं लगी। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक स्टेप 6 तक ही बताया था कि मैंने कहा था यहाँ 6 तक ही स्टेप लगेंगे, लेकिन अगर एडिशनल एक्सपेंसेस दे रखे हो तो फिर ये स्टेप जो है एक्स्ट्रा और लग जाएगी। तो इसमें अपन पहली स्टेप और दूसरी स्टेप इन दोनों में से जो लोअर फिगर होगा उसको लेंगे, उसमें से भी सेविंग्स अगर कोई है तो उसे लेस कर देंगे, और अमाउंट ऑफ क्लेम के फॉर्मूले में ये वाला जो अमाउंट है ये और जोड़ देंगे, क्योंकि अब हम इसका भी क्लेम करेंगे, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंसेस भी आपके नई जगह पर जाकर हुए हैं, तो इनका भी अपन को जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, तो ये जो स्टेप्स हैं अगर ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएं तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। बाकी सारा प्रैक्टिस का काम है, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इनको लिख लिख के इन स्टेप्स की करेंगे उतने ही अच्छे से आपको ये स्टेप लर्न हो जाएंगे। ओके, तो अब इनके क्वेश्चन करें तो इनके आपके पास इसका परफेक्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।